अगर आप एक 1.5 टन 5 स्टार एसी 2023 में लेना चाहते हैं तो आपने मेरा अभी तक ये वाला वीडियो तो डेफिनेटली देख लिया होगा और आपको ये भी पता होगा कि डाइकिन और पैनासोनिक एसी को मैंने नंबर वन की पोजीशन पे टाई करवाया था और उसके बाद दी थी एलजी को नंबर थ्री पोजीशन। और आपने अगर अभी तक एसी नहीं खरीदा है तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं इन तीनों एसीज को थॉरली कंपेयर करने के बाद आपको यह बताने वाला हूं कि मेरा 2-3 महीने का यूजर एक्सपीरियंस इन तीनों एसी से कैसा रहा और आज मैं क्या सोचता हूं कि कौन सा एसी नंबर 1, 2 और 3 पे आने वाला है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं बेस्ट एसी इन इंडिया इन 2023। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर दिखाया जाने वाला कोई भी एसी मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजा और मैंने किसी ब्रांड से कोई पैसा नहीं लिया इस वीडियो को बनाने के लिए। ये थॉरली मेरा अपना यूजर एक्सपीरियंस है, यही मेरा प्रोफेशन है और मैं पहले प्रोडक्ट्स को खरीदता हूं, उसके बाद उन्हें खुद अपने घर, अपने ऑफिस, अपने स्टूडियो के अंदर टेस्ट करता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसा प्रोडक्ट है ये, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं और इससे आपको मदद मिलती है। That is the work I do. आपको सबसे पहले इन तीनों ACs की लुक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। लुक्स के बारे में कुछ खास है नहीं, तीनों के अंदर बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इनडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स के अंदर और तीनों ही AC यानी डाइकिन, पैनासोनिक और LG तीनों 1.5 टन 5 स्टार लेटेस्ट मॉडल्स हैं। पैनासोनिक और LG दोनों 2023 मॉडल्स हैं लेकिन डाइकिन 2022 मॉडल है और आप कहेंगे यार ये ऐसे क्यों करा? इसलिए करा क्योंकि 2022 डाइकिन मॉडल्स 2024 तक के लिए स्टार रेटेड हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूजन मत करिए। आपको ये देखना है कि एसी कौन सा अच्छा है, उसके ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों के अंदर आपको 5 से ऊपर की आईसी रेटिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से ये 5 स्टार एसीज बनते हैं। लेकिन तीनों एसीज के अंदर कुछ फर्क भी है और इन सारे डिफरेंसेस को मैं आपको एक साथ दिखाता हूं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, डाइकिन की आपको कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन प्रॉपर मिलेगी जबकि पैनासोनिक में 1.45 टन और एलजी में 1.3 टन। ये काफी कम कूलिंग कैपेसिटी है इसलिए मैंने अपने कंपैरिजन वीडियो के अंदर ये वाला इसके अंदर आपको क्लियरली बोला था कि अगर आपके रूम का साइज 140 स्क्वायर फीट तक का है तो ही आपको एलजी का एसी लेना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि उससे ऊपर के रूम साइज को ये बहुत अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा एंड दैट इज व्हाट वी फाउंड इन आवर एक्सपीरियंस। तीनों में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, तीनों में आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स मिलेंगी, उन पे एंटी करोजन ट्रीटमेंट करा हुआ मिलेगा जिसे पैनासोनिक पर्टिकुलरली कहता है शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी। लेकिन इन तीनों एसीज के अंदर एक बहुत मेजर फर्क है, डाइकिन के अंदर आपको किसी भी टाइप का कन्वर्टेबल मोड मिलेगा ही नहीं, यानी आपको अगर एसी को चलाना है तो एक ही नॉर्मल मोड पे ही चलाना पड़ेगा। However, LG के अंदर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और Panasonic is even better, उसके अंदर आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलेंगे and that is too good. Panasonic और LG के अंदर आपको 4-way स्विंग भी देखने को मिलेगा जबकि डाइकिन के अंदर आपको Konoda एयर फ्लो मिलेगा, यानी आप फ्लैप को पूरा छत की तरफ कर सकते हैं और ऊपर की तरफ से कमरा ठंडा हो सकता है लेकिन आप उसे 4-way स्विंग की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर एयर फिल्टर को कंपेयर करें तो LG के अंदर आपको एक नॉर्मल HD फिल्टर मिलता है, मतलब गंदगी उसके अंदर नहीं जाएगी एंड दैट्स अबाउट इट। आपको डाइकिन के अंदर PM2.5 एयर फिल्टर मिलता है विच इज वेरी गुड, बट पैनासोनिक एक और स्टेप फर्दर 0.1 यानी PM0.1 एयर प्योरिफिकेशन फिल्टर देता है, मतलब बिल्कुल किसी तरीके की भी गंदगी अंदर जाएगी नहीं, मतलब हम एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर ये कह सकते हैं दैट दिस इज द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन फिल्टर दैट यू कैन गेट इन एन AC। तीनों ACs के अंदर आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है और सेल्फ डायग्नोसिस भी देखने को मिलता है। तीनों ACs स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ तो आते हैं लेकिन इनकी जो रेंज है यानी वोल्टेज रेंज ये सबसे अच्छी पैनासोनिक की है विच गोज फ्रॉम 100 वोल्ट टू 290 वोल्ट। स्टिल आई रेकमेंड कि आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर अपने एसी के साथ लगाना है चाहे आप कोई भी एसी लें और इसके कारण मैं बहुत डिटेल में अपने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं, उसे देख सकते हैं। तीनों एसीज के इंडोर यूनिट के क्लेम्ड लोएस्ट नॉइज लेवल्स ये रहे आपके सामने लेकिन हमारी टेस्टिंग में एलजी के सबसे कम नॉइज लेवल्स निकले, उसके बाद पैनासोनिक के और सबसे ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करी डाइकिन ने। टेस्टिंग मीटर में जितने भी नॉइज लेवल्स आपने देखे वो सारे एम्बिएंट नॉइज लेवल्स के साथ आपको दिखे, यानी रूम के अंदर जो एम्बिएंट नॉइज है उसे और एसी के नॉइज लेवल्स को मिला के जो नॉइज लेवल्स आ रहे हैं वो मैंने आपको दिखाए और उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस एलजी की है क्योंकि उसमें सबसे कम कूलिंग कैपेसिटी 1.3 टन की आपको मिलती है, तो उसमें आपको नॉइज लेवल्स भी
कम मिलेंगे। आपको ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी यानी ज्यादा पावरफुल एसी जैसे पैनासोनिक और डाइकिन के अंदर जो नॉइज लेवल्स का कंपैरिजन हमने करा उसमें पैनासोनिक वाज द विनर एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तीनों एसीज के अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव, 5 ईयर्स की वारंटी ऑन दी पीसीबी और 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी ऑन दी इन्वर्टर कॉम्प्रेसर जो आपको तीनों एसीज में लगा हुआ मिलेगा। और तीनों ही एसीज का इस समय का प्राइस है लगभग 45,000 रुपीज के आसपास। पेपर स्पेक्स तो हो गए सारे खत्म, अब मैं आपको बताता हूँ पिछले 2-3 महीने में इन तीनों एसीज को यूज करने के बाद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपको एक एक करके तीनों एसीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एलजी एसी के बारे में। एक छोटा रूम अगर आपका है 130-135 स्क्वायर फीट तक का तो आपको एलजी एसी डेफिनेटली ले लेना चाहिए एंड इट इज अ वेरी गुड एसी। बहुत अच्छी कूलिंग करता है, बहुत साइलेंट एसी है और आपके रूम में चाहे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो या ना पड़ती हो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है और आपको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी। इट मिसेस आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स जो आपको दूसरे एसीज के अंदर मिलती है। सबसे पहली, इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, पिछले साल के मुकाबले ये काफी कम कर दी गई है विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो आपका अगर बड़े रूम साइज है अवॉइड दिस एसी कंप्लीटली। दूसरी चीज, इसके अंदर आपको वाईफाई सपोर्ट नहीं मिलती, आपको एक वाईफाई मॉडल दूसरा मिलेगा उसके अंदर आपको 3,000 रुपये या 4,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। यही सेम प्राइस में आपको पैनासोनिक के अंदर वाईफाई कैपेबिलिटीज मिलती हैं विच इज फैंटास्टिक। अदर देन दैट दिस एसी इज वेरी गुड। और मैं जो पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहा हूं उसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। 45,500 रुपीज इज द करंट प्राइस। What are you waiting for? चाहिए जल्दी से description box में। Coming to Daikin AC, this particular model is just too good. आपको बहुत अच्छी cooling मिलती है, cooling capacity भी इसकी पूरी आती है। आपको इसके अंदर Konada Airflow जैसा feature मिलता है। ये उन लोगों के लिए particularly बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनके room की छत के ऊपर direct sunlight पड़ती है। उससे क्या होगा? Konada Airflow का flap आप हमेशा ऊपर रखेंगे। उससे cooling सबसे पहले ऊपर ceiling को ठंडा करते हुए आपके fan के जरिए पूरे room के अंदर spread होगी। Yes, फैन चलाना चाहिए एसी को चलाते समय एंड दैट विल बी टू गुड। और ये फीचर बहुत ज्यादा अच्छा है। हाउएवर ये फीचर वैसे सभी एसीज के अंदर होता है, डाइकिन एसी के अंदर कोनाडा नाम दिया गया है। बट अदरवाइज द एसी इज वेरी साइलेंट, इट इज गुड, इट इज पावरफुल। मुझे सिर्फ एक दो कमियां लगी जो आपको भी नोटिस आपने करी होंगी कि इसके अंदर किसी टाइप का कोई कन्वर्टेबल मोड नहीं है। आई विश डाइकिन ने दिया होता और मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इस एसी को कन्वर्ट कर पाता, बट इसमें नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी मेजर चीज़ जो इसमें मिसिंग है दैट इज़ अगेन वाईफाई सपोर्ट, जो इस एसी को स्मार्ट एसी नहीं बनाती। बट यही सेम प्राइस के अंदर यानी 45,500 रुपीज़ के आसपास आपको पैनासोनिक एसी मिलता है, उसके अंदर आपको वाईफाई सपोर्ट भी मिलती है और कन्वर्टेबल ऑप्शंस भी मिलती हैं। तो चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। जिस पर्टिकुलर मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब बात करते हैं पैनासोनिक एसी के बारे में। और इस एसी को यूज करते हुए मेरा यूजर एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। एक्चुअली जहां पे मैं बैठा हूं इस समय मेरे स्टूडियो के अंदर ही इस एसी को मैंने लगाया हुआ है और आपको इस शूट के दौरान कोई भी आवाज इस एसी के चलने की नहीं आ रही, यानी हवा की नहीं आ रही, बट एसी चल रहा है, इट इज डूइंग अ प्रॉपर कूलिंग। द बेस्ट पार्ट इज 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स एंड नहीं ये बेस्ट नहीं है, मतलब हाँ ये बेस्ट है, एक और बेस्ट पार्ट है। सेकेंड बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर आपको वाईफाई की सपोर्ट मिलती है। आपको एक बहुत शानदार मिराए ऐप मिलती है, उस ऐप के अंदर आप इस एसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसमें अपनी कस्टम प्रोफाइल्स बना सकते हैं, उसके थ्रू आप एसी को यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द एसी फ्रॉम द ऐप, आप कभी भी याद ही नहीं करेंगे कि रिमोट कंट्रोल कहाँ है, बिकॉज यू विल गेट सो हैबिटुअल ऑफ यूजिंग द ऐप फॉर द एसी। इसके अंदर आपको सभी टाइप के फीचर्स मिलते हैं, कोई फीचर से ये एसी मिस आउट करता ही नहीं है, चाहे वो सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्मार्ट डायग्नोसिस हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी आपको इसमें मिस आउट नहीं होता है। दैट इज वाई एंड द कूलिंग कैपेसिटी इज टू गुड। इनफैक्ट आप इसे कन्वर्टेबल ऑप्शंस के अंदर अप टू 110% की कूलिंग कैपेसिटी तक लेके जा सकते हैं। दैट इज अमेजिंग। मुझे इसमें चाह के भी कोई कौन देखने को नहीं मिला। पहले एक दो साल पहले पैनासोनिक की सर्विसेज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज की डेट में सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने खुद जब इस एसी को इंस्टॉल कराया देन वी रियलाइज दैट दिस एसी, दिस सर्विस, द टेक्नीशियंस, दे आर ऑल वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट।
45,000 रुपीज का ये इस समय कॉस्ट करता है। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। जिस पर्टिकुलर मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आपको इसे जरूर चेक करना चाहिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दोस्तों आज भी इन एसीज की मेरी रैंकिंग वही है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई थी, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे देन आई विल से दैट अगेन कि पैनासोनिक मेरे लिए नंबर वन पे आता है, क्योंकि इसके अंदर मुझे कन्वर्टेबल ऑप्शंस मिलती हैं। मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मैं उस ऑप्शन को यूज करूं या ना करूं या मैं ऑटो पे रख दूं। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। दूसरी चीज, मुझे वाईफाई सपोर्ट मिलती है, मुझे मिराए ऐप की इंटीग्रेशन मिलती है, मुझे एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट मिलती है। व्हाट एल्स डू आई नीड फ्रॉम एन एसी व्हिच हैज अ वेरी गुड कूलिंग कैपेसिटी, ऑल द फीचर्स, वाईफाई सपोर्ट एंड सो ऑन। इसलिए मेरे लिए पैनासोनिक एसी ज्यादा बेहतर बनता है। डाइकिन एसी, यू नो, आई वुड गिव इट नंबर टू एंड एलजी को डेफिनेटली नंबर थ्री, क्योंकि उसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम है और उसी प्राइस पे मुझे फार बेटर एसीज पैनासोनिक, डाइकिन ये मिल सकते हैं। व्हाई वुड आई गो फॉर एलजी एसी इन दैट सिनेरियो? नाउ द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। मैंने तीनों ही एसीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, और अगर आपको इनके लोअर यानी वन टन या फिर टू टन मॉडल्स लेने हैं तो मेरे शॉर्टलिस्टेड मॉडल्स आपको VM1 AC 2023 लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। उस लिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से मॉडल्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उस लिस्ट में होंगे ही नहीं। आपको जल्दी से उस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहिए एंड प्लीज यूज माई लिंक्स। इससे इस चैनल की बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है और आपका प्राइस एक रुपया भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हम इसी तरीके से कमा के एंड ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उसके बाद आपको ऐसे ट्रू व्यूज और ट्रू कंपैरिजंस दिखाते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और उस कमेंट सेक्शन को आप अपने सवालों के लिए भी यूज कर सकते हैं जिनका जवाब मैं जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए और कमेंट सेक्शन भी, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।